आज डूंगरपुर विधानसभा के कांग्रेस की महिला मोर्चा ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर बाबा रामदेव का पुतला दहन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य रेखा कलासुआ ने बताया है कि महाराष्ट्र के थाने में एक कार्यक्रम में महिलाओं के पहनने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नव भारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। आज बाबा रामदेव ने जो महिलाओं के बारे में एक गलत तरीके से बोला है, महिलाओं को कि कपड़े पहनो या नहीं पहनो, साड़ी पहनो तो भी अच्छा लगता है, सूट पहनो तो भी अच्छा लगता है, और मेरे द्वारा नहीं पहनो तो भी अच्छा लगता है, ये हमें ठीक नहीं लगा है। उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से महिलाओं को अपमानित किया है, इसलिए हम पूरी महिलाओं के साथ यहाँ कलेक्टर के सामने धरना दिया है। और हम चाहते हैं महिला इतनी संगठित एकत्रित होकर आई है, और हम चाहते हैं महिला के बाबा रामदेव को गिरफ्तार किया जाए। और पूर्व में भी भवरलाल परमार ने यही बोला था और बहुत गलत बोला था, तो हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन दिया, फिर भी उनका भवरलाल का भी कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, तो हम उनकी भी मांग करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। आपका नाम? रेखा कलासुआ, जिला परिषद सदस्य। आज बाबा रामदेव ने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत दिया है कि महिला कपड़े पहनती तो भी अच्छी लगती है, नहीं पहनती तो भी अच्छी लगती है, तो ये गलत शब्द है। हम सारी महिला शक्ति यहाँ पे इकट्ठी हुई है, महिला शक्ति की तरफ से हम पूरे विश्व में नहीं, पूरे विश्व में हम ये ऐलान करते हैं कि महिला के खिलाफ अगर किसी ने भी गलत शब्द उठाए तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उनको सचेत किया जाएगा कि ऐसा जीवन में वो कभी नहीं कर पा रहे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा।